तो आइए हम पढ़ें पहला सामुएल 21 अध्याय उसका एक पद। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अकाल का कारण दिया, वह बड़ा विचित्र है परंतु हमारे लिए इसमें शिक्षा है। शाऊल के परिवार से गिबोनियों का बदला लिया जाना। आइए हम पढ़ें दूसरा सामुएल 21 अध्याय उसके 2 से 7 पद। 2 से 7 पद। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग तो इसराइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इसराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी, परंतु शाऊल को जो इसराइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने के लिए यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल व उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कुछ झगड़ा नहीं और ना हमारा काम है कि किसी इसराइली को मार डालें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नाश कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि हम ऐसे सत्यानाश हो जाएं कि इसराइल के देश में आगे को न रह सकें, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गीबा नाम बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह धर्मशास्त्र का एक असाधारण अध्याय है। इसे समझने के लिए हमें यहोशू अध्याय 9 को देखना होगा। गिबोनियों ने यहोशू को धोखा देकर संधि कर ली थी, जबकि परमेश्वर ने इसराइल को आज्ञा दी थी कि वह किसी से संधि न करे। उस युग में संधि करना वाचा बांधना होती थी, जिसे कुछ लोग असभ्य आचार कहते हैं। वाचा तोड़ी नहीं जा सकती थी। वाचा बांधने के पश्चात उसकी शर्तों का पालन किया जाता था और ये वाचाएं कागजी मात्र कार्यवाही नहीं होती थी कि उन्हें बदला जा सके। आज राष्ट्र जो संधि करते हैं वह उपहासजनक हैं, क्योंकि उन्हें कोई नहीं मानता। आज राष्ट्रों का परस्पर व्यवहार एक सामान्य मनुष्य के लिए व्यंग का कारण है, परंतु परमेश्वर को मानने वाले राष्ट्र का वचन ही एक बंधन होता है। यहोशू ने गिबोनियों के साथ वाचा बांधी थी, परंतु शाऊल के राजा बनने पर वह वाचा उसे तोड़ दी। दाऊद ने शाऊल के इस अनाचार की क्षतिपूर्ति की और सफल भी हुआ। मेरे मित्रों, अब सिक्के का दूसरा पहलू या पक्ष रोचक है। परमेश्वर नहीं भूला कि शाऊल इसराइल के प्रतिनिधि ने गिबोनियों के साथ बंधी वाचा तोड़ी थी। अब क्योंकि इसराइल परमेश्वर की प्रजा थी, इसलिए इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह अपराध करके बचेगा। उन्हें दंड मिलना चाहिए और मिला, और 3 वर्ष अकाल पड़ा। मुझे इसे आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने दें। परमेश्वर सब जातियों का न्याय करता है, वह यह नहीं देखता कि कौन सा राष्ट्र क्या है। परमेश्वर ने मिस्र को, बेबीलोन को, अशुर राष्ट्र को, यूनान को और रोम को भी दंड दिया था और वह आज भी राष्ट्रों को दंड देगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के दंड के अनेक प्रमाण हैं। मैं कुछ का उल्लेख करना चाहता हूँ। पाप का जीवन, युद्ध आदि। शांति कहाँ है? यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 57 उसके 21 पद में लिखा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। मेरे मित्रों, किसी राष्ट्र के विघटन का एक संकेत यह भी है कि उसमें कोई अच्छा राजनेता नहीं होता। आपको स्मरण है कि परमेश्वर ने यशाया की पुस्तक अध्याय 3 उसके 12 पद में क्या कहा है, मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। मेरे मित्रों, भूकंप भी परमेश्वर के दंड का साधन है।
अव्यवस्था और घोर अनैतिकता के लिए परमेश्वर राष्ट्रों को दंड देता है। यदि दूसरा शमूएल अध्याय 21 किसी तथ्य को प्रकट करता है तो वह यही है कि परमेश्वर राष्ट्रों को दंड देता है। आइए आगे देखें, पलिस्तियों से युद्ध। हम देखेंगे कि दाऊद पलिस्तियों से युद्ध करता ही रहा। दूसरा शमूएल की पुस्तक 21 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पलिस्तियों ने इसराइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिस्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। तब इश बोब नोब, जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने को ठाना, परंतु सरुयाह के पुत्र अभिशय ने दाऊद की सहायता करके उस पलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध में जाने ना पाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इसराइल का दिया बुझ जाए। मेरे मित्रों, दाऊद एक महान व्यक्तित्व का मनुष्य था और उसके साथ ही जानते थे कि उसके योग्य अन्य कोई नहीं है। दाऊद बूढ़ा होता जा रहा था। युद्ध में वह स्वयं देख सकता था कि अब वह उसमें पहले जैसे सामर्थ्य नहीं है। वह आसानी से घेरा जा रहा था और दाऊद के लिए यह एक असामान्य अनुभव था। इसराइल के अगुओं ने देखा कि अब दाऊद युद्ध के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है और वे उसे कह भी देते हैं कि उन्होंने उससे कहा है कि अब उसे युद्ध क्षेत्र की अपेक्षा घर में रहना है और यह उसके लिए उचित होगा। घमासान युद्ध हुआ और परमेश्वर ने इसराइल को विजय प्रदान की। हम दूसरा शमूएल 21 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं, ये ही चार गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए। मित्रों, यह दानव गोलियत था। आपको स्मरण होगा कि दाऊद ने गोलियत का सामना करने के लिए 5 पत्थर चुने थे। कुछ का कहना है कि उसने 5 पत्थर इसलिए चुने थे कि यदि पहला निशाना चूक गया तो वह दूसरा पत्थर काम में लेगा। इस प्रकार से उसके पास कुछ पत्थर सदा उपलब्ध होंगे। ऐसी शिक्षा देने वाले कहते हैं कि यहाँ हमारे लिए शिक्षा यह है कि हम सदैव संसाधनों से पूर्ण रहें, परंतु यहाँ सत्य तो यह है कि गोलियत के 4 पुत्र थे और दाऊद ने सोचा कि गोलियत के मरने पर वे सामने आ जाएंगे और युद्ध करेंगे। उस समय तो वे सामने नहीं आए, परंतु बदले की आग उनमें थी और यदि अभिशय दाऊद की सहायता में उसे नहीं मारा होता तो इश बोब नोब निश्चय ही दाऊद को घात कर लेता। दाऊद युवावस्था में जब गोलियत को मारने निकला था तब उसके पास 4 पत्थर और थे और वह गोलियत के पुत्रों को मारने के लिए तैयार था। गोफन से उसका निशाना अचूक था। वह संभवतः प्रतिदिन घंटों अभ्यास किया करता था। मेरे विचार में वह पेड़ में गिलहरी के घर पत्थर डाल देता था और उसे देखता था कि वह उसे डाल सकता है या नहीं। मेरे मित्रों, इस अध्याय के साथ ही दाऊद के युद्धों का समय भी समाप्त होता है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दाऊद को सब बैरियों से सुरक्षित रखा। अब हम आगे देखते हैं दाऊद का स्तुति गान। अध्याय 22 में दाऊद का गाया भजन हमारे सामने है, जब परमेश्वर ने उसे बैरियों से मुक्ति दिलाई और यही भजन संहिता 18 में भी पाया जाता है। तो आइए हम पढ़ें दूसरा शमूएल की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, और जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था तब उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। यह भजन दाऊद ने संभवतः अपने जीवन के अंत समय में लिखा था। जब उसने अपने अतीत पर ध्यान दिया तो देखा कि परमेश्वर का हाथ उसे किस प्रकार वृद्धा अवस्था तक सुरक्षित लाया था। मेरे विचार में भजन संहिता 23 भी उसने इसी समय में लिखा था। वह जीवन में इस समय में कह सकता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसके पद 6 में पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको इस समय तक सुरक्षित लाया है तो आप क्यों सोचते हैं कि वह आगे आपको त्याग देगा। दाऊद के अतीत में परमेश्वर की प्रेम भरी सुधि उसे भविष्य के लिए आत्मविश्वास प्रदान करती है।
हम दूसरा शामुएल 22 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणगत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर। चट्टान स्थिरता के लिए होती है। मसीह हमारे उद्धार की चट्टान है, वह हमारी नींव है, हम उस पर आश्रित होते हैं। गढ़ सुरक्षा का स्थान होता है। मेरा बचाने वाला सिंह परीक्षाओं में मुक्ति दिलाने वाला होता है, अर्थात उद्धार करता। परमेश्वर मेरी चट्टान ही नहीं, मेरी चट्टान का परमेश्वर है, अर्थात मेरे विश्वास की चट्टान। वह मेरे विश्वास का करता है, मेरी ढाल, वह बैरी से मेरी रक्षा करता है। मेरा बचाने वाला सिंह, मैं उसी में उद्धार पाता हूँ। मेरा ऊंचा गढ़, वहां से मैं परिदृश्य देखता हूँ। वह मेरी दृष्टि है, मेरा शरण स्थान, अर्थात उद्धार करता। वह उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मेरे मित्रों, हम आज जिस युग में वास करते हैं, जिसमें ऐसा कुछ नहीं जो लिखने की प्रतिभा के तुल्य ठहरे, आज दर्शन का युग ही नहीं रहा, सब कुछ कंप्यूटर से चल रहा है, सब कुछ नकल कर लिया जाता है। हम जानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, परंतु हम कोई अद्वितीय बात उत्पन्न नहीं करते। परमेश्वर को छोड़ दें तो जीवन निरस हो जाता है। इसके विपरीत दाऊद जीवन के हर एक अनुभव में परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानता है। उसकी यह काव्य रूप आभार व्यक्ति साहित्य की एक उत्कृष्ट कलाकृति है। मेरे मित्रों, हम दूसरा शामुएल 22 अध्याय उसके 36 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। दाऊद कठोर और कष्ट उठाने वाला मनुष्य था, वह क्रोधी प्रवृत्ति का भी था, परंतु परमेश्वर कोमल स्वभाव का है, और परमेश्वर की संगति का लोभ जो दाऊद में था, जिसके कारण वह शांत हो गया था, इससे वह उदार स्वभाव का हो गया था। वचन में हम पाते हैं, तेरी दया ने मुझे महान बना दिया है। मेरे मित्रों, आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ अधिक संबंध बनाने की आवश्यकता है। ओह, मनुष्य को हमारे युग के इस समय परमेश्वर की कैसी आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यह एक अनुपम भजन है। दाऊद के सब भजन अति उत्तम है। वे मन को खोल देते हैं, वे बुद्धि खोल देते हैं, वे जीवन को खोल देते हैं, ये आपका जीवन संभव बनाते हैं। मेरे मित्रों, हम बहुत सुनते हैं कि मनुष्य जीना चाहता है। आज हमारे पास सुविधाएं और साधनों की बहुतायत है। अनेक युवक युवतियां ऐसे परिवारों में बड़े हो रहे हैं जिनमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनेक युवक युवतियां सब कुछ त्याग कर आवाराओं की तरह जी रहे हैं। उनका कहना है कि वे जीना चाहते हैं। मेरे प्रियो, साधन आपको जीवन के लिए योग्य नहीं बनाते हैं। भागने से और परमेश्वर के बंधनों को तोड़ने से भी हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, केवल तब जब हम परमेश्वर के साथ सही संबंधों में आ जाते हैं, हम वास्तव में जीने के योग्य हो जाते हैं। मेरे मित्रों, दूसरा शामुएल 22 अध्याय एक अनुपम भजन है। इसे दाऊद ने उस समय लिखा जब उसने अपने बीते हुए जीवन पर ध्यान दिया। भजन संहिता 23 मेरे विचार में एक युवा चरवाहे का भजन नहीं है जो नहीं जानता था कि जीवन क्या है, न ही यह एक व्यवसायिक द्वारा लिखा गया था जो जीवन में ऊंचा उठने की महत्वाकांक्षा रखता था, व्यापार में या राजनीति में, न ही यह किसी ऐसे महत्वाकांक्षी ने लिखा है जो प्रसिद्ध होना चाहता था। मित्रों, भजन संहिता 23 का लेखक एक वृद्ध राजा था जो अपने बीते जीवन को देखता था, तो उसमें परमेश्वर के हाथ को काम करते हुए देखता था। दाऊद ने हर एक बात का अनुभव किया था। दाऊद का निष्कर्ष यह था कि सबसे अद्भुत बात यहोवा मेरा चरवाहा है। मित्रों, स्तुति का यह अनुपम भजन एक महान साहित्य ही नहीं, हमारे लिए ऐसे परिदृश्य का द्वार है जो हमें सूर्यास्त या सूर्योदय से भी अधिक अनुपम दृश्य प्रदान करता है। यह भजन परमेश्वर के साथ एक मनुष्य के अद्भुत संबंध का वर्णन करता है। मित्रों, आज हमें इसकी कैसी आवश्यकता है?
आज मुझे और आपको भी स्मरण करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में क्या किया है, ताकि हम उसके महिमा के गुणों को बखान कर सकें। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 23 में दाऊद के अंतिम और उसके शूरवीरों की नामवली को देखेंगे। दाऊद के अंतिम वचन, आइए हम पढ़ते हैं दूसरा शामुएल की पुस्तक 23 अध्याय उसके एक पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, इशय के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इसराइल का मधुर भजन गाने वाला है। मेरे मित्रों, दाऊद इशय का पुत्र था और इशय एक किसान था। वे बेतलेहम के निवासी थे। दाऊद अपनी पृष्ठभूमि के कारण कभी लज्जित न था। परमेश्वर ने दाऊद का सिर ऊंचा किया और उसे विश्वास के महापुरुषों में नाम दिया। दाऊद याकूब के परमेश्वर यहोवा का अभिषिक्त जन था। यह वही परमेश्वर है जिसने चतुर याकूब को पकड़कर इसराइल अर्थात परमेश्वर का राजकुमार नाम दिया था। इसी परमेश्वर यहोवा ने दाऊद को इसराइल के सिंहासन पर बैठाया। इसी परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार प्रदान किया। यह परमेश्वर अनुग्रहकारी है, भला है और प्रेम करने वाला है। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर कैसा महान है। दाऊद इसराइल का मधुर भजनकार भी था, संगीतकार भी था। वह संगीत लिखता था, संगीत बजाता था और संगीत सुनने में रुचि रखता था। यद्यपि मुझ में संगीत की प्रतिभा नहीं है, मैं दाऊद के संगीत से प्रेम करता हूँ और संगीत के प्रेम में सहभागी होता हूँ। मुझे अच्छा संगीत बहुत भाता है, परंतु मुझे रॉक म्यूजिक में कोई भी रुचि नहीं है। सच तो यह है कि मैं उसे संगीत मानता ही नहीं। मुझे तो दुख है कि हमारे आराधनालयों में रॉक म्यूजिक भी प्रवेश कर गया है। मेरे मित्रों, आत्मा को विभोर करने वाले उत्तम संगीत ने सदा ही परमेश्वर की आराधना में योगदान दिया है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा शामुएल की पुस्तक 23 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। मेरे प्रियो, दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वह भजनों की रचना करता था। पत्रस ने कहा था कि पुराना नियम भी परमेश्वर के आत्मा ने ही लिखवाया था। देखिए दूसरा पत्रस अध्याय 1 और पद 20 और 21 में वह यही बात को कहता है, पर पहले यह बात जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है और इसे परमेश्वर के भक्तों ने लिखा है।